आज हम बात करेंगे HFCL की, जो कि टेली कम्युनिकेशन सेगमेंट के अंदर केबल बनाने वाली कंपनी है और साथ ही साथ एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने वाली ये कंपनी, जो कि इस समय डिफेंस सेक्टर के अंदर भी अपना कारोबार कर रही है और साथ ही साथ रेलवे सेक्टर के अंदर भी इस कंपनी के पास इस समय प्रोजेक्ट्स हैं। और देखा जाए तो ये कंपनी अपनी इंडस्ट्री में इस समय सबसे सस्ती भी दिखाई दे रही है। जिस हिसाब से ये कंपनी टेलीकम्युनिकेशन सेगमेंट के अंदर लीडर है, उस हिसाब से इस कंपनी को वैल्यूएशन अभी नहीं मिल रहे। और देखा जाए तो इस समय ITI जैसी कंपनी, जो इस समय लगभग 20-20% के अपर सर्किट दिखा रही है और कंपनी का शेयर इस समय रॉकेट बना हुआ है, और वहीं अगर आप इस सेगमेंट के अंदर तेजस नेटवर्क जैसी कंपनी की भी बात करें, जो कि इस समय प्राइस टू बुक के हिसाब से लगभग 8 के मल्टीपल पर है, यहीं पर HFCL जैसी कंपनी इस समय अपनी प्राइस टू बुक के लगभग 3 के मल्टीपल के आसपास दिखाई दे रही है। क्यों ये कंपनी इतनी सस्ती इस समय काम कर रही है? क्या कंपनी के अंदर वाकई में कुछ कमियां हैं? और यह आने वाले समय पे इसकी रीरेटिंग होगी तो किन बेसिस पर होगी? सवाल आपके मन में भी होंगे। तो आज का ये वीडियो आपके बड़े काम का साबित होने वाला है। दरअसल इसके अंदर आज मेरा डिस्कशन यही करने का मन है कि क्यों HFCL सस्ता है, HFCL का बाइंग प्राइस क्या होना चाहिए, HFCL करंट प्राइस पर लें या ना लें, और HFCL का साल भर का टारगेट क्या दिखाई दे रहा है, और क्या इसका अंडर वैल्यूड होने का आपको कुछ फ़ायदा मिलेगा। अगर आप लोग बाग भी ये फ़ायदा लेना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में आप मेरे साथ जुड़िए। हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे HFCL के बिजनेस का, साथ ही साथ HFCL के वैल्यूएशन का और HFCL के टारगेट का। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। HFCL, जैसा मैंने आपको बताया कि टेली कम्युनिकेशन सेक्टर में वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर है। कंपनी अपने रेवेन्यू का इस समय लगभग 83% हिस्सा टेलीकॉम सेक्टर से ला रही है। डिफेंस सेक्टर से भी कंपनी को 15% रेवेन्यू आ रहा है। साथ ही साथ देखा जाए तो रेलवे सेक्टर से भी इस कंपनी को 2% का रेवेन्यू इस समय आ रहा है। कंपनी देखा जाए तो भारत की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है OFC केबल्स की, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स जो होते हैं उनके लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। कंपनी वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है वाईफाई एसएस पॉइंट्स का, साथ ही साथ अनलाइसेंस ब्रॉडबैंड रेडियोज इन इंडिया। कंपनी ने रिलायंस जियो जैसी कंपनी को FTTH और ऑप्टिकल फाइबर जैसे नेटवर्क इस्टेब्लिश करने के लिए काफ़ी सारी सर्विस भी प्रोवाइड कराई हैं। अपनी गवर्नमेंट की PLI स्कीम में भी इस समय देखा जाए तो एलिजिबल है, और साथ ही साथ देखा जाए तो ये कंपनी रेलवे के लिए सिग्नल सिस्टम भी प्रोवाइड कराती है। कंपनी मेट्रो और रेलवेज को इस समय अपनी सर्विस प्रोवाइड करा रही है। कंपनी के पास इस समय 5 ऑपरेटिंग प्लांट हैं। कंपनी की अगर ऑर्डर बुक की बात करें, 6100 करोड़ की कंपनी की ऑर्डर बुक है, जिसमें टेलीकॉम सेक्टर से कंपनी को 58% ऑर्डर आ रहे हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो डिफेंस सेक्टर से कंपनी को 30% ऑर्डर इस समय डिफेंस सेक्टर से आ रहे हैं, जो कि ये बता रहा है कि कंपनी अब डिफेंस सेक्टर पे भी काफ़ी फोकस कर रही है। कंपनी का डेट टू इक्विटी इस समय 0.24 का है, जो कि ये बता रहा है कि कंपनी डेट वाइज भी इस समय कंफर्टेबल पोजिशन में दिखाई दे रही है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि HFCL ITI और तेजस जैसी कंपनी के कंपैरिजन में इस समय सस्ती क्यों है? क्यों इस कंपनी की अगर प्राइस टू बुक की अगर हम बात करें तो आपको तेजस और ITI जैसी कंपनी के आगे ये कंपनी इस समय प्राइस टू बुक के हिसाब से इतनी सस्ती क्यों है? जबकि अगर आप देखें FY23 के अंदर HFCL एक प्रॉफिट वाली कंपनी है, ITI एक लॉस मेकिंग कंपनी है, साथ ही साथ तेजस नेटवर्क एक लॉस मेकिंग कंपनी है, फिर भी ये कंपनी यहाँ पर काफ़ी सस्ती है। सस्ता होने के पीछे मुझे इस कंपनी के अंदर कुछ मेन कारण दिखाई देते हैं। सबसे पहला तो आप कारण ये देखिए कि कंपनी में इस समय प्रमोटर की होल्डिंग्स लो है। प्रमोटर इस समय कंपनी के अंदर लगभग 38% स्टेक होल्ड करते हैं। दूसरा, कंपनी के अंदर एक कारण यहाँ पर यह भी दिखाई देता है कि प्रमोटर्स ने अपने कुछ शेयर प्लेज भी किए हुए हैं, ये भी इस कंपनी के शेयर को यहाँ पर चलने में जो है रोकते हैं, या आप कह सकते हैं कि कंपनी का शेयर इन कारणों से नहीं चल रहा है। तीसरा कारण एक ये भी दिखाई देता है कि कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो भी छोटी है, जो कि ये बताता है कि कंपनी को अभी अपनी ऑर्डर बुक को काफ़ी हेल्दी करने की ज़रूरत है, और शायद हो सकता है कि कंपनी कुछ जो सेल्स रेडी स्टॉक पर करती है वो कंपनी के लिए यहाँ पर एक मेजर रोल प्ले करते हों, पर कंपनी को अपनी ऑर्डर बुक मेंटेन करने की यहाँ पर ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं कि ऐसे क्या कारण हैं जिनके कारणों से कंपनी अब आगे चल सकती है, कंपनी ऐसे किन पॉइंट्स पर काम कर रही है जिनके तहत हम आने वाले समय में इस कंपनी के अंदर तेजी देख सकते हैं
और यहाँ से आपको कंपनी के शेयर प्राइस में एक अच्छी बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। सबसे पहला कारण तो यहाँ पर मुझे कंपनी की परफॉर्मेंस पे लगता है। इस कंपनी ने FY13 से FY23 के अंदर पिछले 10 सालों के अंदर अगर हम कंपैरिजन करके देखें तो अपने प्रॉफिट को 56 करोड़ रुपीज से 317 करोड़ रुपीज किया है। कंपनी ने अपने रेवेन्यू को 606 करोड़ रुपीज से 4743 करोड़ रुपीज के पास पहुंचाया है, जो कि ये बता रहा है कि कंपनी ने अपने सेल्स और प्रॉफिट पर मल्टीफोल्ड ग्रोथ की है। तो कंपनी FY23 के अंदर भी प्रॉफिटेबल थी, कंपनी Q1 FY24 इस फाइनेंशियल ईयर के पहले क्वार्टर के अंदर भी प्रॉफिटेबल दिखाई दे रही है। तो अब ये कंपनी इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर क्या कर सकती है? ये कंपनी इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर लगभग 4800 करोड़ रुपीस के आसपास का रेवेन्यू दिखा सकती है और देखा जाए तो कंपनी लगभग 350 करोड़ रुपीस के आसपास का प्रॉफिट आपको दिखा सकती है, जिसके तहत कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 11% के आसपास दिखाई दे रही है। कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन वो भी 11% के आसपास दिखाई दे रहा है। कंपनी का अगर EPS की बात करें तो वो लगभग 2.5 रुपीस का आते हुए दिखाई दे रहा है, जो कि ये बता रहा है कि कंपनी को यहाँ पर EPS में भी एक अच्छी खासी बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। अब इन चीजों का इम्पैक्ट कंपनी के शेयर प्राइस पर क्या आ सकता है? इम्पैक्ट कंपनी के शेयर प्राइस पर ये आ सकता है कि ये कंपनी प्रॉफिटेबल है, कंपनी का मार्जिन अच्छा है, इंडस्ट्री में लीडर है, कंपनी का एक्सपेंशन प्लान है, जिसके तहत ये कंपनी आपको प्राइस टू बुक के हिसाब से लगभग इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर लगभग 170 रुपीस का टारगेट दिखा सकती है। ये कंपनी यहाँ से ईजिली डबल हो सकती है, कारण उसके पीछे बड़े ठोस हैं। कंपनी का एक्सपेंशन प्लान जैसा मैंने आपको बताया, कंपनी का प्रॉफिट में होना, और दूसरा इंडस्ट्री में अगर और कंपैरिजन करके देखें जो इस सेक्टर के जो कंपनी के अदर पीस हैं उनके हिसाब से ये कंपनी प्रॉफिटेबल है, वो प्रॉफिटेबल भी नहीं है और उल्टा देखा जाए तो 8-10 के बुक वैल्यू पर काम कर रही है। अगर हम इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर कंपनी की बुक वैल्यू 24 रुपीज़ की कंसिडर कर रहे हैं तो ये कंपनी अगर 7 का मल्टीपल दिखा दे तो लगभग 170 रुपीस का टारगेट निकल कर आता है इस फाइनेंशियल ईयर के आधार पर, जो कि पॉसिबल है। वो इसलिए पॉसिबल है कि अगर इस सेगमेंट के अंदर अगर और कंपनियों की डीरेटिंग हो सकती है तो HFCL की इस एक्सपेंशन के बेसिस पर और प्रॉफिट के बेसिस पर क्यों नहीं हो सकती? तो ये कहीं ना कहीं इस कंपनी की यहां से डीरेटिंग होने का एक बहुत बड़ा कारण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर अगर हम शॉर्ट टर्म के व्यू से भी बात करें, अगर बाजार के अंदर कोई गिरावट आए जिसके चांस थोड़े ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं तो उस गिरावट में ये कंपनी कहाँ पर हमें लेनी चाहिए, तो उसमें आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। ये कंपनी अगर 67 रुपीज़ के आसपास दिखाई दे तो आपको बाय करना है, ये कंपनी के लिए एक अच्छा लेवल है यहाँ पर बाइंग करने का। उस कंडीशन में कंपनी की जो प्राइस टू बुक है वो हमें 3 के नीचे भी जाती हुई दिखाई देगी, 3 के भी नीचे आ जाएगी, जो कंपनी को यहाँ पर एक अच्छा खासा रिस्क रिवार्ड रेशियो देता है, जिसके तहत यहाँ पर गिरावट कम दिखाई देती है, कंपनी में हायर साइड ज़्यादा दिखाई देती है। तो शॉर्ट टर्म में अगर देखा जाए तो कंपनी में आप करंट प्राइस से भी एक अच्छा खासा मुनाफा यहाँ पर बना सकते हैं अगर कंपनी आपको नीचे दिखाई दे। फिर यहाँ पर एक चीज़ और दिखाई देती है मुझे कंपनी को लेकर कि इस कंपनी को बाजार ने भी डिफेंस सेक्टर के रूप में नहीं देखा है, डिफेंस प्लेयर के रूप में बाजार ने इसको कंसिडर नहीं करा है, बाजार इसकी बुक को अभी डिफेंस के रूप में नहीं देख रहा है। क्योंकि डिफेंस सेक्टर के हिसाब से देखता तो बाजार इसकी रीरेटिंग करता जिस तरीके से ITI की हुई, तो ये कहीं ना कहीं बाजार इसको डिफेंस सेक्टर के रूप में अगर कंसीडर कर ले तो शायद ये भी इसकी रीरेटिंग का एक बहुत बड़ा कारण बने। तो उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो में HFCL को लेकर आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा, आपकी नॉलेज में काफ़ी कुछ वृद्धि हुई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर चैनल सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए इतना ही, कल एक नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार।